हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल जीजी क्लास में। बेल्ट्रॉन का फ्रेंड्स आज एग्ज़ाम चल रहा है और शिफ्ट वन जो है वो पूरा हो चुका है। अब जो है शिफ्ट टू का सेशन चल रहा है। तो फ्रेंड्स, बेल्ट्रॉन का जो भी आता है अपडेट, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ। और फ्रेंड्स, बेल्ट्रॉन की जो तैयारी है वो भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ और सारे वीडियो जो है अवेलेबल भी करवा रहा हूँ। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिस ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको क्लास अवेलेबल करवा रहा हूँ। सुबह शाम दोपहर जितने वीडियो हो रहे हैं दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जो एग्ज़ाम सही से क्लियर हो सके। और फ्रेंड्स, पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारा का मैंने क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवाया है, जितना मुझसे हो सका है। और फ्रेंड्स, आज जो एग्ज़ाम हो चुका है शिफ्ट वन का, एग्ज़ाम का डेट है आज 10 दिसंबर 2019। तो मैं फ्रेंड्स लेके आ चुका हूँ आपके लिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। सीधा आपको लाइव जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं आपको एग्ज़ाम सेंटर से, जो लोग एग्ज़ाम दे के निकले हैं वहाँ से जो क्वेश्चन आउट हुए हैं मेरे पास, तो मैं फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको वीडियो को ध्यान से देखते रहना है। अगर आपका एग्ज़ाम आज नहीं है, आगे है, तो आपके ये बहुत हेल्प होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और शॉर्टकट्स की, फंक्शंस की और फुल फॉर्म, फ्रेंड्स मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि इसको आप रट लीजिए, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से जो है प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का जो पूछा गया है शिफ्ट वन में, उससे जो मुझे जो क्वेश्चंस मिले हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं लगे अच्छा तो डिसलाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी जान सके किस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरह क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। तो और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो कीजिएगा ही, और फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि इस तरह का अपडेट आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे आज कि आज जो है क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया, उसका आंसर क्या होगा, किस तरह का पूछा गया आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि रॉ को जो है डिलीट कैसे करेंगे, यानी जो एम एस एक्सेल में होता है आपका कॉलम होता है और ये रो होता है, ठीक है। तो मान लीजिए रो को हम डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो मैंने आपको क्लास करवाया है एम एस एक्सेल का, उसमें फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि रो को हम डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। अगर इसको पूछेगा शॉर्टकट की, कि शॉर्टकट किसे हम रो कैसे पूछेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस माइनस साइन, ठीक है। इससे जो है पूरा रो जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम वहाँ से करेंगे तो आपको क्या होम टैब में जाके इसको आप डिलीट में जाके कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपको पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि रो को जो है डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि एमएस पावर पॉइंट से, यानी आपको जो है एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल, आपका वर्ड वगैरह सबसे जो है पूछा गया है क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि स्लाइड को व्यू कैसे करेंगे, हम स्लाइड को व्यू कैसे करेंगे। तो अगर हमको सारे स्लाइड को देखना है तो क्या करेंगे, हम F5 प्रेस करेंगे शॉर्टकट की है, और अगर हम जाएंगे कंप्यूटर से तो वहाँ से आपको होम टैब में जाके जाना पड़ेगा व्यू में, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हो गया कि रो को डिलीट कैसे करते हैं और स्लाइड को व्यू कैसे करना है, दो क्वेश्चन हो गया। और तीसरा था फ्रेंड्स कि पिक्चर को इंसर्ट जो है कैसे करेंगे, पिक्चर को इंसर्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एम एस वर्ड में जाते हैं, कहाँ पर, क्लिप आर्ट में, ठीक है। क्लिप आर्ट से हम लोग वहाँ पर पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। ये तीन क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। ये सब जो हमको क्वेश्चन मिले हैं लाइव मिले हैं सीधा वहाँ से आपको एग्जाम सेंटर से, जो लोग एग्जाम देके निकले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया था आपको मेल मर्ज, मैंने आपको जब करवाया था मेल मर्ज का इसका सिलेबस या इसका वीडियो, तो मैंने बताया कि मेल मर्ज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग भी जरूर पढ़ लीजिएगा मेल मर्ज जो है जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है वो आया था कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे करेंगे, ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको आपको जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन कैसा है वो देखना है कि क्या जो बटन होता है इशारा बटन, वहाँ जाके जो होता है ऑल डॉक्यूमेंट, वहाँ जाके फिर हमको एमएस ऑफिस का जो पूरा है वहाँ जाके वर्ड को हम लोग चूज करते हैं, ठीक है। या फिर और भी तरीका है, ठीक है। तो वहाँ पर आप ऑप्शन देके मारेंगे, यानी क्वेश्चन आपका यही था कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये था क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैंने कल या परसों के वाले जो मैंने आपको क्लास करवाए थे आपको उसमें मैंने बताया था कि अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है, क्या किसका शॉर्टकट है। तो फ्रेंड्स ये जो शॉर्टकट की है ये आपको है स्पेशल पेस्ट, ठीक है। तो जो हम लोग कोई चीज़ को स्पेशल पेस्ट करते हैं कोई फॉर्मूला वैल्यू वगैरह को, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस भी, यानी कि जो बोलिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी, इससे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन जो आया था फ्रेंड्स, और देखते हैं आगे। और फ्रेंड्स आप लोग जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको फुल फॉर्म शॉर्टकट की इस सबसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और फंक्शन की जो मैंने बताया था आपको F1 से लेकर F12 तक मेरा जो ई बुक है मैंने उसमें भी दिया है, और जो मैंने अभी वीडियो अपलोड किए हैं आपको MS वर्ड और एक्सेल का 2016 का पूरा, तो आप उसमें भी मैंने आपको दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और मेरे ई बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं, ई बुक का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन जो आपको मेरे ई बुक में मिल जाएगा, और मैंने जितने वीडियो अपलोड किए हैं आपको क्लास में लिए हैं सारा में मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि जो आपको पूछा गया है शॉर्टकट की तो क्या क्या पूछा गया है, चलिए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो पूछा गया है शॉर्टकट्स की, वो आपको मैंने बताया कि आपको जो पूछ रहा है तो वो आपको पूछा गया कंट्रोल प्लस के, ठीक है। कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, उसमें चार ऑप्शन था, तो मैंने आपको जो क्लास करवाया है और जो मेरा ई बुक है उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, कि कंट्रोल प्लस के से क्या होता है हम लोग हाइपर लिंक, ठीक है, हाइपर लिंक हम लोग जो उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं बोल दूँ आपको कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इस टाइप के क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा कि उसका क्या होता है काम, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन भी क्या क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में डायरेक्ट, और उसका आंसर क्या होगा मैं आपको वो बता रहा हूँ, और विथ जो प्रैक्टिकल है वो भी करके दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। तो याद रखिए कि कंट्रोल प्लस के जो होता है वो हाइपर लिंक के लिए यूज होता है, ये आपको शॉर्टकट पूछा गया है। और एक हो गया आपको कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी जो कि स्पेशल पेस्ट के लिए होता है, ठीक है। तो दो शॉर्टकट पूछा गया है यहाँ पर। और फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि सेलेक्ट ऑल, मान लीजिए एक पूरा टेस्ट एरिया है बहुत सारा लिखा हुआ है, हमको सारा को सिलेक्ट करना है तो क्या हम यूज करेंगे, ये पूछा गया शॉर्टकट, हम लोग करेंगे कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो सारा जो मेरा जो पूरा सीट है या जो मेरा पूरा एरिया है वो मेरा सिलेक्ट हो जाएगा पूरा। तो ये तीन क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो कि शॉर्टकट्स की से। और फ्रेंड्स क्वेश्चन आया था कि फॉर मेटिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इसका शॉर्टकट किट क्या है, फॉर्मेटिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स का शॉर्टकट की क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो फॉर्मेटिंग करेंगे ऑल डॉक्यूमेंट्स को, तो उसमें फ्रेंड्स वो डिपेंड करता है कि फॉर्मेटिंग में जैसे कि आपको अंडरलाइन होता है, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, ठीक है, इसमें जो है इस भी होता है। तो इसमें जो है कि आपको क्वेश्चन किस टाइप का है वो देखना पड़ेगा कि फॉर्मेटिंग क्या करने बोल रहा है, बोल्ड कैसे करेंगे, इटैलिक कैसे करेंगे, अंडरलाइन कैसे करेंगे, तो उसका सबका अलग अलग होगा, तो इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो पूछा गया फ्रेंड्स कि फुल फॉर्म पूछा गया है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो फ्रेंड उसका पूछा गया फुल फॉर्म DLL का, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम में कि DLL का क्या होता है, तो इसका होता है फ्रेंड्स डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, ठीक है, याद रखिए डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी होता है DLL का फुल फॉर्म, जो कि आज के एग्जाम में पूछा गया है। और फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपको F1 से लेकर F12 तक ये आपको हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो है मैंने अपने ईबुक में सारा कुछ बता दिया है, वहाँ जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स जो आज जो पूछा गया एग्ज़ाम में वो पूछा गया है आपको F4 से, ठीक है, F4 से पूछा गया है इसमें। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि कंट्रोल के क्या काम है, रो को डिलीट कैसे करते हैं, स्लाइड को व्यू कैसे करते हैं, पिक्चर को इंसर्ट कैसे करते हैं, मेल मर्ज से क्वेश्चन आया था आपका, DLL का फुल फॉर्म क्या है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी एब्रीवेशन से आ रहे हैं, और शॉर्टकट की पूछा था आपको कंट्रोल के से क्या होता है, आपको अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, ठीक है, आपको जो पूछा था कि कंट्रोल ए से क्या होता है, और फंक्शन की से क्वेश्चन आ रहे हैं, MS वर्ड को ओपन कैसे करते हैं, ये सब क्वेश्चन फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो आप लोग जो है स्लाइड को व्यू कैसे करना है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है एक तैयारी करने में आगे आसानी होगी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज के कुछ क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं आपको
वहाँ से जो लोग एग्जाम देकर निकले थे। और भी फ्रेंड्स, मैं आगे वीडियो लेके आप लोगों को जो आऊँगा, तो मुझे जैसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।